एवरीवन वेलकम बैक टू वन अदर वीडियो। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे। सो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6:30 बजे और अब हम पहुँचे हैं ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर ना, क्या जगह का नाम नीलकंठ से पहले है और ऋषिकेश के आगे है। अब आप समझ लेना 7:30 बज गए, इतना भयंकर जाम पास करके हम जगह पे आए और हम चाहते हैं जल्दी उठ के थोड़ा नेचर को इन्जॉय करें क्योंकि फिर चेकआउट का टाइम हो जाता है तो क्या कोई वसूली नहीं होती होटल की। चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, हमारे रूम से ये व्यू है कुछ, और बस फटाफट फ्रेश होते हैं चलते हैं, ठीक है? सीधी सीधी बात, नो बकवास। तो भाई सुबह का व्यू कुछ ऐसा है और इसको बहम था कि सबसे पहले मैं ही उठी हूँ, लेकिन यहाँ यहाँ तो सभी एक्टिव है, यहाँ सभी नेचर लवर है, वो फोटो लवर है, नेचर लवर नहीं है, फोटो लवर है, दारू लवर भी आते हैं इधर देखो। और ये यहाँ नेचर लवर कोई नहीं आता, उधर भी देख लो, हर टेबल पे मिलेगा, बस हमारी टेबल भी मिलेगा। तो यहाँ सब रिलैक्स करने आए हैं, हमारी टेबल पे रखी हुई है चाय का कप जो कि ये पीती है, मैं नहीं पीता। चले वो एक बार पूरा ही दिखा दूँ। हमारा रूम था, ठीक है, यहाँ से हम नीचे आए और ये भी सेम रूम्स हैं, ये यहाँ एक लोन सा बना हुआ है इस तरह का पूरे में, फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं, वो प्रवेश ने आपको दिखाया, डेक सा बना हुआ है और उधर रिवर है, और अगर हम इधर आते हैं यहाँ पे बना है एक छोटू सा क्यूटू सा पूल जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी दिख रहा है मुझे, और यहाँ से भी आप नदी को देख सकते हो और ये पूरा पहाड़ जंगल और लगे हुए हैं सब फोटोज खिंचवाने में। देखो सामने उधर देखो वीडियोस, क्या कह रहे हो? आपको आवाज अच्छी आ रही है, पानी की ना अभी भी आ रही है अच्छी, ऐसी बात नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी थी, बाकी थोड़ी मतलब साफ सफाई पहाड़ों पर ऐसी होती है, बट ओवरऑल गुड प्रॉपर्टी थी। तो आ सकते हो अगर आप लोगों को भी आना है तो रिकमेंड करते हैं हम लोग। तो नीचे नदी के पास ये यहाँ पे स्टेयर लगी हुई है, ऐसे उतर के आप आराम से आ सकते हो, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और पहला एक्सपीरियंस है, पहाड़ों में बहुत बार आई हूँ बट पहला एक्सपीरियंस है कि हम जा सकते हैं रिवर के अंदर। नहीं, एक बार पहले भी गए थे, मतलब 2-2.5 साल पहले, और यहाँ पे बट थोड़ा खाली सा है, मतलब आराम से आप इंजॉय कर सकते हो बैठ के, बड़े बड़े पत्थर हैं आप उनके ऊपर बैठ सकते हो, फोटोज क्लिक करा सकते हो। मैं आपको बिल्कुल नदी के पास लेके जा रही हूँ, पहले तो ये देखो कैसे पानी की आवाज़ आ रही है ना, कितनी अच्छी नदी के अंदर, वो भी फोटो खिंचवाने के लिए। मुझे ज़्यादा देर लगता है इस पत्थर पे जाने की कोशिश हो रही है या मुंह धोएंगे पता नहीं। और आपको मैं फिश दिखाती हूँ इसके अंदर, देखो दिख रही हैं शायद आपको उसमें ना दिखे, देखो देखो अब दिख रही हैं कैमरे में 100%, इतनी छोटी छोटी इतनी सारी फिश हैं। वहाँ क्यों बैठ गए आप जाके? हाँ बच्चा देखो कहाँ है भाई, बहुत नज़ारा है यहाँ पे तो गजब का। यहाँ पे अभी हम गार्डन में बैठे हैं और ये देखो पेड़ पे ना, भैया ने बताया इतनी सारी लीची लगी है इस पेड़ में, बट ये अनफॉर्चुनेटली कच्ची हैं अभी, बट साइज देखो अब लीची की, और इतनी भर भर के ना, वो कहते हैं ट्रक भर की लीची लगी है एकदम प्यारी प्यारी। बट सो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये प्रॉपर्टी या होटल जो भी समझो आप, वो कैसा लगा। वैसे बहुत ज़्यादा मस्त मस्त फीलिंग आ रही है मेरे को रिवर की वजह से, क्योंकि रिवर साइड बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इस टाइम पे वीकेंड है प्लस समर वेकेशन हो रखी है, तो वैसी जगह नहीं है, अब सारे होटल्स बुक हैं ऑलरेडी। एंड या ये कुछ प्रॉपर्टी है, मैं कुछ चीज़ें रह गई हैं वो आपको दिखा देती हूँ। पूल है बट पूल में अभी पानी नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि नदी है तो शायद पूल में कोई जाता नहीं होगा। और ये सारे रूम्स हैं लाइन से, उधर के साइड पे किचन है, डेक मैंने आपको दिखाई दिया अच्छे से, यहाँ पे भी आप रात को हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, मतलब अपने रूम के साथ में बैठ सकते हो। बाकी इधर लेके चलूँ तो कुछ नहीं है, बस ये फिर यहाँ पे डेक है, डेक पे ऐसे आप सन बात ले सकते हो,
यहाँ पे आप पार्टी कर सकते हो, सब अपने म्यूजिक लगा के बैठे थे। और उधर भी नहा रहे हैं अब लोग क्योंकि उठ गए हैं, तो बारी बारी कोई ना कोई रिवर में जा ही रहा है। देखो वहाँ पे बंदे हैं अभी, ये रहे। और पानी की आवाज़ सुनो आप, खन 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 वाली आवाज़ है। और ये पूरा जंगल, और जंगल से देखो झरने से भी पानी आ रहा है। अगर आप, मैं जूम करूँ तो शायद दिख जाए, यहाँ पे पानी पड़ रहा है ऊपर से इस जगह पे। ये देख, ये रहा। तो बहुत नेचर में आके ना मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। बस मेरा ये होता है समर वेकेशन में या इन दिनों में कि बस पहाड़ों पे पहुँच जाऊँ और ज़्यादा कुछ ना हो, बस नेचर। पिछली बार हम गए थे मकलूदगंज और धनोल्टी, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था, बट वहाँ पे मुझे ये रिवर साइड वाला कुछ नहीं मिला था। बाकी वैसे वो भी बहुत प्यारी जगह है, एंड धर्मकोट है उससे आगे चल के, मकलूदगंज से आगे चल के वहाँ पे हम लोग रुके थे 3-4 दिन। एंड ये भी बहुत प्यारी जगह है, बस हमारा फोकस ये होता है कि पहाड़ पे एक अच्छी सी जगह मिल जाए, नहाने को पानी, खाने को खाना मिल जाए। नॉर्मल खाना यहाँ दाल राइस ये ज़्यादा बेसिकली मिलते हैं, एंड बस नदी मिल जाए, पहाड़ मिल जाए अच्छे से, और अच्छे से टाइम स्पेंड हो। आप लोग भी कभी ट्राई करें चीची पीपी से ना, यहाँ के इतना पीसफुल लगता है ना कि आने के बाद ना मेरे तो जाने का दिल नहीं करता बिल्कुल, बट जाना तो है ही। तो कल का जो 3 घंटे का हमने ट्रैफिक झेला है ना, मतलब इतना गंदा था कि ऐसे लग रहा था गाड़ी छोड़ के यहीं भाग जाओ। और कहाँ आ गए, परवेश मेरी तरफ देख रहे हैं, तूने बोला था मेरे को आने के लिए, तूने मेरे को यहाँ आने के लिए बोला था, मैंने तो बोला था वहाँ कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। गुस्से में आदमी पेशेंस लेवल परवेश में थोड़ा कम है, और भाई गुस्से में मेरा और गुस्सा, मेरे को और रोना ही आ रहा है। मैंने कह रहा मैंने कहाँ ले आई, कहाँ फंस गए, बट अब जाके वर्थ इट है। ठीक है, 3-2 घंटे का ट्रैफिक भी ले लिया। ट्रैफिक इसलिए था क्योंकि वीकेंड पे मुझे लग रहा पूरा ये इधर दिल्ली की गाड़ियाँ थी सारी, जितनी भी पूरे दिल्ली वाले यहीं आ गए हो जैसे पहाड़ों में, ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा रश थी। एंड अभी हम 9:30 हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, और शायद आज हम लोग जाएंगे देहरादून शाम को, तो वो भी आप स्टे ट्यून्ड व्लॉग। अगर अभी तक अपने तो आप देखते रहें व्लॉग्स और इन्जॉय करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक्स करें, एंड चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो दैट आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ भाई इतने दिन हो गए, 20,000 नहीं हुए, करवा दो, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है। एंड ऐसे ही जैसे आप अब तक प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, क्योंकि आप लोगों के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और आप लोग ही मोटिवेट करते हो वीडियोस बनाने के लिए, सो थैंक यू सो मच। एंड या मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ प्रवेश को देख लो, मैं पूरा होटल दिखा के आ गई हूँ, ये आधे घंटे से पता नहीं कौन सी दुनिया में है, मतलब पहले फोटो की तो रील बनाओ फिर एडिटिंग भी, तभी हाँ फोन ही छेड़ रहे हो। तो मैं तो गुस्से में चली गई थी वैसे यहाँ से, मैंने कहा मैं ठीक है मैं जा रही हूँ, आप फोन चलाओ। अब दिखाई दिया, मैं तो वीडियो में पहले से दिखा दी सबको, आपने अब देखी, अभी यहाँ देखोगे ना तो इतने ट्रक भर के बताई था, मैं तेरी वीडियो के चक्कर में बोला क्या बोला लिची लगी सो फनी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं खुद नहीं बना सकती वीडियो भाई, मैं खुद ही बनाती हूँ, और मतलब ये अपनी मर्जी आई तो वो दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, VIP अपीयरेंस, और अपनी मर्जी हो तो नहीं बनाते, तो इनके हिसाब से ब्लॉग चैनल नहीं चलेगा भाई, वो तो मेहनत मेरे को ही करनी पड़ेगी, इतने तो मुझे दिखता है। ये कच्ची लीची खाने लग गई, खट्टी है, अच्छी है, फ्रेश है, थोड़ी सी दे दो यार, कच्ची बिल्कुल कच्ची, अरे बिल्कुल खारी तो खाई क्यों जब बिल्कुल हरी थी तो। और लीची का मौसम चल रहा है फिर ये क्यों है कच्ची अभी पता नहीं। और यहाँ से भी हमें मिल रहा है खाने के लिए व्यू नदी का। रेडी हो गया, आप ये बता सकते हो थोड़ा कि इसका मतलब प्राइस क्या था यहाँ पे? 5800 के आसपास इसका प्राइस है ना, सो अगर आपको इतने प्राइस में चाहिए तो आपको यहाँ मिल सकता है व्यू के साथ, अच्छी सी जगह है। तो यहाँ पे भाई तन्नू अब कर रही है चाय सर्व,
नदी किनारे जाए का कप मिल जाए। हमने पहाड़ वाली मैगी तो नहीं खाई, पहाड़ वाली मैगी नहीं खाई तो क्या खाया? हमने मैगी नहीं खाई ना, मैंने रात बोला भी था आपको खा लेते हैं, फिर आप बोलेंगे मेरा मन नहीं है मैगी खाने का। हम वन पैकेट दीदार में है। वन क्या बोल दे। आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है यहाँ सैंडविचेस, देन पोहा, उसके बाद केचप, कर्ड। हरी मिर्ची भी दे देना। हरी मिर्च। तो यहाँ पे आए हैं पराठे, पराठे सैंडविच पोहा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और हम अब जा रहे हैं नई डेस्टिनेशन पे, तो आपको भी साथ लेके चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में इसको टाटा बाय बाय।